हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 10वें, 10th और 100वें, 100th भाग से संबंधित कुछ मजेदार शब्द पहेलियों को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और दिलचस्प पहेलियों को हल करना सीखेंगे। ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। बन्नी ने ठंड के मौसम से बचने के लिए एक दर्जन ऊन की टोपियां बुनी है। बन्नी इन टोपियों को शहर के बाजार में बेचने जा रहा है। रास्ते में चलते चलते बन्नी सोच रहा है, मैं इन एक दर्जन टोपियों को बेचकर काफी रुपए कमा लूंगा। अगर मैं एक टोपी 5 रुपए 50 पैसे में बेचूं, तो मुझे कुल कितने रुपए मिलेंगे? तभी बब्बन वहां से गुजर रहा था। बन्नी ने बब्बन को रोककर उसे पूछा, बब्बन, अगर मैं एक टोपी 5 रुपए 50 पैसे में बेचूं, तो मुझे एक दर्जन टोपियों के कितने पैसे मिलेंगे? ये तो बहुत आसान है बन्नी, एक टोपी का दाम 5 रुपए 50 पैसे है। एक दर्जन या 12 टोपियों का दाम पता करने के लिए हमें एक टोपी के दाम को 12 से गुणा करना होगा। बब्बन ने बन्नी से कहा, अच्छा, लेकिन यहाँ तो बीच में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट भी है, तो मैं इस गुणा को कैसे करूं? बन्नी ने बब्बन से कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, पहले हम एक टोपी के दाम को इस तरह से लिख लेंगे। अब हम जिस तरह गुणा करते हैं, ठीक उसी तरह 550 को 12 से गुणा कर लेंगे। ये कहकर बब्बन ने झट से एक कागज पर इस तरह से गुणा करके उत्तर में 6600 लिख लिया। अच्छा, तो क्या मैं 6600 रुपए कमा लूंगा? बन्नी ने उत्साहित होकर बब्बन से पूछा, नहीं बन्नी, अब हमें ये देखना है कि गुणा होने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 5 रुपए 50 पैसे में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं? बब्बन ने बन्नी से पूछा। 2 अंक। बन्नी ने झट से उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक, इसलिए हम उत्तर में भी दशमलव बिंदु इस तरह से लिखेंगे ताकि दशमलव बिंदु के बाद केवल 2 अंक हो और फिर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब मैं समझ गया, मैं अगर यहाँ दशमलव बिंदु लगा दूं, तो दशमलव बिंदु के बाद केवल 2 अंक या 2 शून्य होंगे। अरे वाह, मैं 12 टोपियां बेचकर 66 रुपए कमा लूंगा। ये कहकर बन्नी खुशी से नाचने लगा। बच्चों, अगर बन्नी ने एक दर्जन टोपियों की जगह केवल 11 टोपियां बेची होती, तब क्या आप बता सकते हैं कि बन्नी को कुल कितने रुपए मिलते? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। 5.50 को हम पहले 11 से इस तरह से गुणा कर लेंगे और अब क्योंकि 5.50 में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, हम उत्तर में इस तरह से दशमलव बिंदु लिख लेंगे। 11 टोपियों का कुल दाम हुआ 60 रुपए और 50 पैसे। आइए देखें बन्नी और बब्बन अब क्या कर रहे हैं। बन्नी ने बब्बन को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी टोपियों का थैला उठाकर शहर की ओर निकल पड़ा। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10वें, 10th और 100वें,
100th भाग से संबंधित कुछ और दिलचस्प पहेलियों को हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम और भी रोचक पहेलियों को हल करना सीखेंगे।